हाईवे से ले जाए जा रहे हवाला के 80 लाख रुपए जब्त। जबलपुर की धनवंतरी नगर थाना पुलिस ने नागपुर रीवा हाईवे पर एक 80 लाख रुपए चेकिंग के दौरान जब्त किया है। पुलिस ने पूरे मामले की सूचना इनकम टैक्स विभाग को भी दी है, जहां पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रीवा नागपुर हाईवे से एक सफेद रंग की इंडिका कार में कुछ लोग हवाला के रुपए ले जा रहे हैं। जहां मुखबिर की सूचना पर संजीवनी नगर थाना क्षेत्र अंधमुख बाईपास चौराहे के एचपी पेट्रोल के पास मुखबिर की बताई हुई कार को रोका गया, जिसमें एक महिला समेत 3 लोग बैठे हुए थे। जहां कार की बीच वाली सीट पर एक बड़ा सा बैग रखा था, जिसकी तलाशी लेने पर उसमें 80 लाख रुपए पुलिस को मिले हैं। जहां रुपयों को जब्त करते हुए इनकम टैक्स विभाग को पूरे मामले की सूचना दी गई है। वहीं कार में सवार महिला छत्तीसगढ़ की बताई जा रही है, जो कि नागपुर रुपए लेकर जा रही थी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। फिर द्वारा सूचना मिली कि हाईवे रोड पर जो है एक गाड़ी गुजरने वाली है, जिसका नंबर है MP20CC3640, और जिसमें कुछ नकदी रकम जो है लेकर के जा रहे हैं। इस संबंध में जो है हमने उक्त गाड़ी को जो है वह मौके पर HP पेट्रोल पंप के सामने उसको रोके हैं। रोकने के पश्चात तो उसमें एक महिला अंशु सिंह और दो जेंट्स थे, एक शशांक खरे और एक फैजमान ड्राइवर था। तीनों व्यक्ति वहाँ बैठे हुए थे। बीच में बैग रखा हुआ था। बैग में रखा हुआ सामान हमने पूछा कि क्या रखा हुआ है, तो उसमें हेवा हवाली करते हुए हिकमत अमले से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि 50 लाख रुपए इसमें रखे हुए हैं, जिसकी जो है तस्दीक करने के लिए हम उसको चौकी लेकर के आए हैं। और बैग में जो है उसकी चाबी लगा हुआ था, तो चाबी घूमना बताई, और फिर हमने उसको पंचनामा तैयार करके जो है उसको बैग को खुलवाए और उसकी काउंटिंग की गई है। तो काउंटिंग पर से जो 80,01,000 रुपए उसमें मिले, और उसी समय हमने तत्काल जो है इनकम टैक्स के अधिकारियों को बुला लिए हैं। बुलाने के पश्चात जो है हमने जब्ती की कार्रवाई किए हैं उसमें, और उनसे पूछताछ अभी जारी है। अभी इनकम टैक्स से संबंधित है या हवाले से संबंधित है, अभी पूछताछ हमारी जारी है।